पिछले कई हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन से कई महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कर रहे थे। परमेश्वर के वचन से मेरा तात्पर्य है पवित्र बाइबल, जिसके आधार पर हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर के वचन की कई बातों का अध्ययन कर रहे हैं। जिन बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें इतिहास भी है, उपदेश भी है, व्यावहारिक जीवन के लिए दिन प्रतिदिन हमारा जो जीवन है उसके बारे में सुझाव भी है, जीवन के हर पहलू के बारे में या हर एस्पेक्ट के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। और उस परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु की वाणी को सुनने के लिए हम लोग हर संडे शाम को यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और इस तरह से जब हम नियमित रूप से प्रभु की वाणी सुनते हैं तो प्रभु की वाणी हमारे जीवन में कार्य करती है, और जब प्रभु की वाणी हमारे जीवन में कार्य करती है तो हम धीरे 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 बदलने लगते हैं। मैंने इसके पहले भी ये उदाहरण दिया था कि कुमार जो घड़ा बनाता है, बचपन में मैं घंटों वहाँ खड़ा रहता था, माँ बाप से डांट पड़ती थी कि स्कूल से लेट क्यों घर पहुँचे, लेकिन किस तरह से वो मिट्टी का एक लौंदा लेके उस घूमते हुए पहिए पर रखता है और अपने हाथों से वो जो बेडॉल मिट्टी है उसको बहुत ही सुंदर आकार देता है, वो देखते ही बनता है। इसी तरह से जब हम नियमित रूप से प्रभु का वचन सुनते हैं तो प्रभु की वाणी धीरे 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 हमको बदलने लगती है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। कुमार जब इस तरह से बनाता जाता है तो बीच बीच में कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं, वो सब हटा के बनाता है, इसके बावजूद कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो कुमार क्या करता है, उसको हटा के फेंक देता है, और उसके कारण जो शेप बदल गया था या बेडंगा हो गया तो उसको फिर से हाथ लगा के फिर से वही पुराना अच्छा उपयोगी आकर्षक शेप देता है। इसी तरह से जब हम नियमित रूप से परमेश्वर की वाणी सुनते हैं तो मेरे और आपके जीवन में इस तरह से कंकड़ पत्थर जो भी हैं जिसका वहाँ नहीं होना चाहिए उसको प्रभु हमारे जीवन से हटाकर हमको पुनः वही अच्छा आकर्षक और उपयोगी शेप देते हैं। ये बात याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हमने प्रभु के वचन की सबसे पहली पुस्तक के 3 अध्यायों का अध्ययन किया था, उसका सारांश मैंने आपको बताया था कि प्रभु ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, प्रभु ने कहा अति उत्तम अति मनोहर, और उसके बाद प्रभु ने पेड़ पौधे जानवर पक्षी समुद्र के जंतु सब बनाया और प्रभु ने देखा कि अति मनोहर है, और उसके बाद प्रभु ने पुरुष और स्त्री को बनाया, उनसे कहा कि सब तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं, मेरे स्नेह के कारण मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। और मनुष्य जो सोच नहीं सकता इतने सुंदर फलों का वृक्ष, उससे प्रभु ने बगिया लगाई थी। प्रभु की तरफ से सब कुछ प्राप्त करने के बाद जरा सी बात पे मनुष्य ने लंघन किया, और उस लंघन का फल क्या हुआ ये हमने पिछले हफ्ते देखा। लेकिन प्रभु की असीमित कृपा है कि लंघन के बाद जब मनुष्य पश्चाताप करता है तो प्रभु तुरंत उसके ऊपर अपनी करुणा दिखाते हैं। प्रभु मनुष्य के समान नहीं है कि हम जाके प्रभु से बोलें प्रभु मैंने गलती की है, मनुष्य से बोलें तो वो कहे नहीं 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 मैं नहीं मानता और जो है मैं तुमको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। मनुष्य ने जब ये मान लिया कि उसने वर्जित काम किया है, और मनुष्य ने जब ये मान लिया कि वो प्रभु वर्जित कार्य करने के कारण उसके जीवन में नग्नता आ गई है, तो प्रभु ने स्वयं उसके लिए उपयुक्त तरीके का वस्त्र बनाकर उसको कवर किया, और इस तरह से आदम और हव्वा आगे अपना जीवन बिताने लगे। प्रभु ने आगे के जीवन के लिए उनको कुछ
बातें बताई थी या इंस्ट्रक्शन दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक के चौथे अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक चौथा अध्याय, आप में से जिसके पास भी बाइबल नहीं है, इस सभा के आखिर में बाइबल हमसे यहां पर खरीद सकते हैं, और यदि पहला दिन बाइबल ना खरीदना चाहें तो मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये प्रिंट करके लाया हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति मुझसे लेके जा सकता है, जिससे कि आप इसको घर ले जाकर अच्छे तरह से पढ़कर समझ सकें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने कैन रखा। वह फिर उसके भाई हाबिल को भी उसने जन्म दिया। तो प्रभु ने पुरुष और स्त्री को बनाया। अब प्रभु ने उनसे कहा था, फलो फूलो बढ़ जाओ, सारी दुनिया के ऊपर नियंत्रण करो, यहां तक कि जीव जंतु भी तुम्हारा कहना मानेंगे, इस तरह से नियंत्रण करो। और उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो आदम और हव्वा के बहुत सारे बेटे बेटियां हुए थे, जिसमें नंबर वन और नंबर टू, पहले का नाम था काइन और दूसरे का नाम था हाबिल। इस तरह के नाम अपने समाज में नहीं चलते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी एक देश में आज से 6000 साल पहले जो नाम प्रचलित थे, वो नाम मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। मैंने लास्ट हफ्ते भी ये बात आपको याद दिलाई थी कि प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में जो रखा है, इसके पीछे एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु ने हमको जो भी पेशा दिया है, कोई भी पेशा क्यों ना हो, कोई भी नौकरी क्यों ना हो, उस नौकरी को विश्वास योग्यता से करें। तो आज से 6000 साल पहले एक ने जानवरों का पालना अपने पेशे के रूप में अपनाया, और दूसरे ने खेती बाड़ी अपने पेशे के रूप में अपनाया, और जैसा हम पढ़ते हैं उससे ये अनुमान लगाते हैं कि प्रभु ने दोनों को बहुत अधिक अनुग्रह दिया, और जो जानवरों को पालता था उसके पास बहुत जानवर हो गए, और जो खेती बाड़ी करता था उसको बहुत फसल मिली। जब मुझे और आपको प्रभु हमारे पेशे में अनुग्रह देते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए, यह परमेश्वर का वचन स्पष्टतया बताता है। यहां लिखा है, कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। एक बार जब हम प्रभु का दर्शन पा लेते हैं, प्रभु से, प्रभु पर विश्वास करके मुक्ति पा लेते हैं या नव जीवन पा लेते हैं, और प्रभु से हर तरह के अनुग्रह पा लेते हैं, और जब हमको अपने धंधे पेशे में अनुग्रह मिलता है, तब हमारी अगली जिम्मेदारी यह है कि प्रभु ने हमको जो दिया है उसमें से एक पोर्शन या एक हिस्सा धन्यवाद के रूप में वापस प्रभु को चढ़ाएं। प्रभु के वचन का चौथा अध्याय ही ये बात हमको याद दिलाता है। कई बार जीवन की हर जरूरत के लिए हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु मुझे एक नौकरी दे दीजिए, प्रभु मुझे नौकरी के अलावा इससे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे विवाह करना है, एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की दे दीजिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए। हाँ, प्रार्थना करना और प्रभु से हर चीज के लिए विनती करना, अनुरोध करना, याचना करना, ये तो हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा दिया गया बड़ा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य का उपयोग हम में से हर एक को करना चाहिए कि हे प्रभु हमारी मदद कीजिए। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए आप भाई लोगों को ऐसी भाषा में प्रभु की वाणी सुना सकता हूं जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं,
इस कारण प्रतिदिन मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरे ये प्रिय भाई जो हजारों किलोमीटर से आकर मेरी उपस्थिति में बैठे हैं, उनको ऐसी भाषा में मैं परमेश्वर का वचन आज सुना पा रहा हूँ जो वो लोग मलयालम से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इस कारण मेरी मदद कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो संदेश में उनके सामने रख सकूं। इस तरह से मैं और आप छोटी से लेकर बड़ी बात के लिए प्रार्थना करना हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। प्रभु ने हमको ये अनुमति दी है कि मेरे बच्चे तुमको क्या चाहिए, और हम छोटी बड़ी बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब प्रभु ने हमको छोटी से लेकर बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो उसके साथ साथ प्रभु एक चीज और हमसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और वो यह है कि प्रभु जब हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, तब प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में जो अनुग्रह मिला है उसका एक पोर्शन वापस प्रभु को चढ़ाएंगे। माँ बाप लोग इस बात को जानते हैं। मेरे जीवन में एक सबसे आनंद का वो दिन था जब मेरी बेटी जो 3 साल की थी, बच्चे जब छोटे थे तब मैं प्रभु की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा यात्रा करता था। साल में 6 महीने मैं घर पे नहीं रहता था। मैं बच्चों को पत्र लिखा करता था जिसको मेरी वाइफ पढ़ के बच्चों को सुनाया करती थी, और बच्चे प्रार्थना के रूप में मम्मी के द्वारा कहलवा भेजते थे कि डैडी आप वापस आएंगे तो वो लाना, ये लाना, ये लाना। ये है मैं और आप प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी 3 साल की हुई तो पहली बार उसने बिल्कुल वो बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में, डैडी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपका मेरा स्नेह आपके लिए, इस तरह से कुछ लिख के उसने मुझे भेजा। 30 साल से ऊपर हो गए हैं इस घटना को, लेकिन वो पत्र मैंने कहीं आज भी सुरक्षित रखा है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं वो माँ बाप को आनंद देता है, उसी तरह से बच्चे मैं और आप जब प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं तब प्रभु को आनंद होता है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चे मेरे लिए चीज़ें लाने लगे। मेरी बेटी साल में एक बार छुट्टियों पर आती है तो आते समय छोटे से लेकर बड़ी चीज़ें लाती है। इस बार आई तो सबसे छोटी चीज़ जो लाई वो एक की रिंग था जो मैंने कमरे में टांग रखा है, जिससे कि उठते बैठते लेटते हर मोमेंट पर मैं उस की रिंग को देख सकूं। की रिंग क्या है? अरे 10 रुपये में की रिंग मिलता है और 50 रुपये में एक से एक बढ़िया की रिंग मिलता है। नहीं, उसकी कीमत नहीं है। वो उसने लाकर मुझे जो दिया उसके पीछे जो भावना है, उसने उसके अलावा भी कई चीज़ें मुझे लाके दी, उससे महंगी चीज़ें लाके दी, उससे 100 गुना ज़्यादा महंगी चीज़ें उसने लाके दी। मेरे लिए वो महंगी चीज़ें भी उतनी ही मूल्यवान है जितना वो छोटा सा की रिंग, क्योंकि मेरे बच्चे ने, मैंने उसको जो स्नेह दिखाया था और बचपन में उसके रिक्वेस्ट्स मैंने पूरे किए, आज देखो मेरा बेटा या बेटी अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, अब वो लोग मेरे लिए कुछ चीज़ें ला रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से प्रभु ने जब आदन की वाटिका बनाई, आदम और हव्वा को वहाँ रखा, कैन और हाबेल को वहाँ रखा, तो कैन और हाबेल ने खेती की, प्रभु ने उनको हर तरह से पुष्टि दी, जानवर हुए, खेती हुई, उन्होंने भी उनको जो मिला था उसमें से एक पोर्शन ले जाकर प्रभु के सामने अर्पित किया। ये प्रश्न आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, आपने प्रभु को अपनी सारी ज़रूरतें बताई, बताते जाते हैं, आपके जीवन में प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह में से एक पोर्शन प्रभु को ले जाकर भेंट करना है, ये बात आपने समझी है क्या? प्रभु का वचन वापस प्रभु को भेंट देने के बारे में बहुत जगह बोलता है, हर जगह याद दिलाता है कि हमको प्रभु ने जो दिया उसमें से एक पोर्शन प्रभु को वापस भेंट के रूप में चढ़ाना है। कैन भी भेंट लाया, हाबिल भी भेंट लाया, लेकिन एक घटना हुई। 5वें पद में हम पढ़ते हैं, 4थे के आखिर से हम देखते हैं, प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया।
कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप अपने प्रभु को ले जाकर भेंट दे रहे हैं और प्रभु ग्रहण ना करे? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। मेरी बेटी यदि जब छुट्टियों में आती है तो आके कहते, डैडी आपके लिए मैं ये लाई हूँ, उसके बदले वो कमरे के दरवाजे पे खड़े होके ये रही आपकी कीरिंग, यदि मेरे ऊपर फेंक दे तो बेटी मेरी है लेकिन चूंकि वो बड़ी और समझदार हो गई है तो हो सकता है कि गुस्से में मैं उठा के दुगने फोड़ से उसके ऊपर फेंक दूं कि ना तो तेरा कीरिंग चाहिए ना तेरी और कोई चीज चाहिए। संभावना है कि इस तरह से बोलने की? हाँ हाँ बिल्कुल संभावना है, क्योंकि बच्चा जब अपने माँ बाप से बोलता है तो बोलने का तरीका होता है आभार आभार के रूप में व्यक्त करना चाहिए। कैन से क्या गलती हुई? बाइबल के उत्तरार्ध में नए नियम में इब्रानियों नाम की एक पत्री है, उसके चौथे अध्याय को खोलकर हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि हाबिल ने प्रभु को जो भेंट चढ़ाया वो विश्वास के साथ चढ़ाया, कैन ने विश्वास के साथ नहीं चढ़ाया। मतलब जब हम प्रभु को कोई भी भेंट देते हैं, प्रभु ने हमको जो दिया है उसमें से एक पोर्शन जब हम प्रभु को चढ़ाते हैं तब हमारा एटीट्यूड हमारा नजरिया सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हाँ प्रभु को कुछ देना है इसलिए ये प्रभु ये रहा आपके लिए। नो, जब हम प्रभु से पाते हैं तो ना केवल उसका एक हिस्सा प्रभु को भेंट चढ़ाना है बल्कि बहुत ही स्नेह, बहुत ही आभार, बहुत ही शुक्रिया और विश्वास के साथ प्रभु को वापस चढ़ाना है। हाबिल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसको करना चाहिए था। बड़े भाई कैन ने क्या किया कि प्रभु को ले जाके चढ़ाया लेकिन उसका नजरिया अच्छा नहीं था और इस कारण प्रभु ने उसको ग्रहण नहीं किया। क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तब कैन अति क्रोधित हुआ। ये इस बात को विशेष ध्यान दे, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो क्रोधित हुआ, ऐसा लिखा है कि वो अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अरे प्रभु के साथ हम जब व्यवहार करते हैं तो जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए उस तरह से व्यवहार करेंगे तो प्रभु जरूर हमको ग्रहण करेंगे। और यदि प्रभु ने हमारी गलती के कारण हमने प्रभु को जो भेंट चढ़ाया है उसको ग्रहण नहीं किया तो उसके लिए प्रभु से क्रोधित होने की क्या जरूरत है, और वो भी अति क्रोधित होने की क्या जरूरत है? लेकिन यहां पर ना केवल वो अति क्रोधित हुआ, आगे भी हम कुछ देखते हैं। यहां लिखा है, तब प्रभु ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोधित हुए, तुम्हारे मुंह पर क्यों उदासी छा गई है? यदि तुम भला करोगे तो तुम्हारी भेंट जरूर ग्रहण होगी, लेकिन यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तुम्हारी तरफ होगी और वो तुम पर प्रभुता करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, हर बच्चे को प्रभु से याचना करने के बाद प्रभु की तरफ से जो कुछ मिलता है उसमें से एक पोर्शन एक धन्यवादी हृदय के साथ विश्वास के साथ प्रभु को भेंट चढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि हम इस तरह से नहीं करते हैं तो पाप दरवाजे पर है। यहाँ किस दरवाजे की बात हो रही है? हमारे हृदय के दरवाजे की तरफ। एक विश्वासी के जीवन में पाप हमेशा आत्मिक द्वार के बाहर रहना चाहिए। पाप ऐसी चीज है जो हमारे जीवन से जिसको हमें बाहर रखना है। लेकिन यदि मेरे और आपके जीवन में जो करना है उस मामले में हम यदि लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं तो पाप वहां दरवाजे पर छुपा हुआ है। जिस क्षण हम दरवाजा खोल देते हैं, जिस द्वार को बंद रखना चाहिए
उस द्वार को खोल देते हैं तब पाप उसमें प्रवेश करता है और प्रभु का वचन कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता करेगा नहीं। किसी भी विश्वासी के जीवन में हमको ऐसा अवसर नहीं पैदा करना चाहिए कि पाप हमारे ऊपर नियंत्रण करे। प्रभुता का मतलब है नियंत्रण, पाप हमारे ऊपर नियंत्रण करे, ऐसा अवसर हमें कभी नहीं अपने जीवन में देना चाहिए। प्रभु का एडवाइस उसने सुना क्या? नहीं। जब मनुष्य के मन में एक बार प्रभु के प्रति जो उसका नजरिया है वो गलत हो जाता है तो फिर वो बदला लेने की कोशिश करता है, बदले की भावना उसके मन में भर जाती है। प्रभु से तो वो बदला ले नहीं सकता है, इसलिए कैन ने क्या किया, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आज के संदेश में शुरू में ही ये बात बताई थी कि जब एक कुमार घड़े को बनाता है तो उसमें कंकड़ पत्थर आ जाते हैं जिसको कुमार अलग कर देता है। उसी तरह से प्रभु, जिस क्षण हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया उस क्षण से हमको एक शेप दे रहे हैं और जब ये शेप देते हैं तो पाप रूपी कंकड़ और पत्थर हमारे जीवन में आते हैं। प्रभु उस पाप रूपी कंकड़ और पत्थर को हटाते चले जाते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में विशुद्ध या पवित्र रह सके। लेकिन कुमार के सामने जो मिट्टी है उसमें और मुझ में और आप में एक अंतर है। अंतर क्या है कि मिट्टी निर्जीव है, उसमें कोई जीवन नहीं है। उसमें जो कंकड़ या पत्थर बाई चांस फंस गए थे वो गड़बड़ करता है, उसको कुमार हटा देता है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में परेशानी क्या है, मैं और आप जीवित हैं, हमारी एक स्वतंत्र इच्छा है और इस इच्छा के कारण हम लोग जाने अनजाने इधर उधर से कंकड़ के बदले बड़े बड़े पत्थर और ईंट लाके मिट्टी में डाल देते हैं जो वहां नहीं होना चाहिए। और इस कारण हमारे प्रभु को जो हमको एक शेप दे रहे हैं कंकड़ या पत्थर हटाने के बदले इस ईंट या पत्थर को हटाने में बड़ी परेशानी होती है। आप खुद सोचिए कि घड़ा बनाते समय छोटे से कंकड़ के बदले वहां बड़ा ईंट आ जाए तो वो घड़े का शेप ही बिगड़ जाएगा, सुराही का शेप ही बिगड़ जाएगा। उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में जहां पर पाप नहीं आना चाहिए वहां पर पाप आ जाता है तो मेरे और आपके आत्मिक जीवन को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ देता है। कैन के साथ ऐसा ही हुआ। जब प्रभु को उसने भेंट चढ़ाया तो उसने विश्वास के साथ नहीं चढ़ाया, अविश्वास के साथ चढ़ाया जो उसके जीवन में एक बड़े पत्थर के समान था जो बनते 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 जिसने घड़े को बिगाड़ दिया। तो घड़ा बिगड़ गया है, इसलिए प्रभु को एक अवसर दो कि प्रभु उसका निर्माण फिर से कर सके। ये सोचने के बदले उसने सोचा कि मैं सॉल्यूशन खुद निकालूंगा, मैं उसका हल खुद निकालूंगा। हल क्या है? भाई की हत्या कर दो। मतलब उसने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, उसने अच्छा किया इसलिए वो जो उसने किया प्रभु ने उसको ग्रहण किया, मैंने बुरा किया उसको प्रभु ने नहीं ग्रहण किया इसलिए मैं अपने आप को सुधार कर अगली बार अच्छा विश्वास के साथ प्रभु के सामने एक भेंट लाऊं उसके बदले जिसने अच्छा किया उसकी हत्या ही कर दी। मतलब लोग सड़क पर लापरवाही से जा रहे हैं और जाते जाते कोई अपनी गाड़ी जो है मेरी गाड़ी से लगा गया, ठीक है, उस आदमी से गुस्से के कारण फुटपाथ पे जो जा रहे थे उन दोनों पे गाड़ी चढ़ा के मैंने उन दोनों को मार डाल दिया। लोग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह के हिंदी अखबार में यहां बैठ के नियमित रूप से पढ़ा करता हूं कंप्यूटर पे, उसमें कई बार खबर आती है कि एमपी में किसी आदमी ने जब वो स्कूटर पर जा रहा था तो कार धीरे जा रही थी, उसने कार को ओवरटेक किया, आगे चला गया। 5 मिनट के बाद वो कार तेजी से आई, उसको रोकने को बोला, उसमें कोई तो भी नेताजी का लौंडा निकला
क्यों रे तूने मुझे क्यों ओवरटेक किया? जेब से बंदूक निकाला, पिस्तौल निकाला, फायर करके मार डाला। पिछले 6 महीने में मैंने इस तरह की कम से कम 6 घटनाएं पढ़ी हैं। इसको बल्कि मनोवैज्ञानिक लोगों ने इसको एक नाम ही दे दिया है, जिसका नाम और उसका नाम है यातायात कोप। मतलब यातायात के बीच में आपको क्रोध आ रहा है और आप दूसरे की हत्या कर रहे हैं। गलती किसकी? गलती आपकी है कि आप स्लोली गाड़ी चला रहे थे, किसी को जाने की जल्दी थी, वो जल्दी चला गया। गाड़ी कोई आपकी, सड़क कोई आपकी नहीं है। ये घटना, ये हमारा जो सोचने का और करने का तरीका है, ये आज से 6000 साल पहले चालू हुआ था कि मैंने अविश्वास के साथ प्रभु को भेंट चढ़ाया, उसने विश्वास के साथ चढ़ाया और मैं अपने आप को सुधरूं, उसके बदले मैंने उसकी हत्या कर दी। ये हम सब को सोचना चाहिए। हम प्रभु के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जब उस जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं तब जिस नजरिए से करना चाहिए उस नजरिए से यदि नहीं करते हैं, और यदि प्रभु हमको ग्रहण नहीं करते हैं तो इस भाई को मार, उस बहन को मार, उसकी बुराई कर, नहीं। सही तरीका यह है कि हम अपनी गलती सुधारें। काइन ने अपने भाई को ही खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने काइन से पूछा, तेरा भाई कहां है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं उसका चौकीदार हूं? आपको क्या लगता है, प्रभु से इस तरह की उल्टी सीधी बात करके कोई बच सकता है क्या? अरे प्रभु की छोड़ो, हम जो प्रभु से बहुत छोटे हैं, हमसे कोई उल्टा सीधा बोलता है, मान लीजिए हमारा कोई सबॉर्डिनेट, हम उसको नहीं छोड़ते। मैं जीवन भर एक अध्यापक रहा, एक अध्यापक से बोलने का तरीका होता है, खासकर मेरे जैसे अध्यापक से जो कि अपने विद्यार्थियों से अथाह स्नेह करता है, जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि मेरा विद्यार्थी आकर मेरे सामने कुछ उल्टा सीधा बोले तो पहले मैं उसको डांटूंगा, डांटने के बाद फिर से उल्टा सीधा बोले तो निश्चित रूप से मेरी जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से मैं उसको सजा दूंगा। तो जब मनुष्य से हम नहीं बच सकते तो काइन प्रभु से इस तरह से बोल के दो झूठ उसने, दो बातें उसने गलत बोली। तेरा भाई का मुझे नहीं मालूम है, वहां पर रुक जाता तो भी बात थी। उस प्रभु से पूछता है, मैं क्या उसका चौकीदार हूं? प्रभु ने इन दोनों चीजों का जवाब नहीं दिया। प्रभु ने सीधे सीधे उससे एक प्रश्न पूछा। बाइबल में जब भी ईश्वर मनुष्य से डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं तो उसमें से हर प्रश्न मनुष्य को उसकी गलती बताता है। यहां पर पूछा, योना की कहानी हम पढ़ेंगे उसको, उसमें योना से प्रभु ने पूछा। आगे नए नियम में बहुत जल्दी ही हम उसका अध्ययन करेंगे, जब पिता अपने बड़े बेटे से एक प्रश्न पूछता है, इनमें से किसी ने भी प्रश्न जो है उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का खून पृथ्वी से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। मतलब तुमने उसकी हत्या की। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर सब देखते हैं, और जब तुमने अपने भाई की हत्या कर दी तो भाई का खून, भाई का शव शरीर जो शायद तुमने गाड़ दिया होगा, लेकिन सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और वो इस बात का प्रमाण है कि तुमने उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो उसके साथ साथ प्रमाण भी देना पड़ता है ना?
सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी प्रभु के सामने उसने जिस व्यक्ति की हत्या की उसका खून उसका शरीर गवाही दे रहा है कि बड़ा भाई हत्यारा है। प्रभु ने उसके बाद क्या बोला, भूमि जिसने तेरे भाई का लोहू तुम्हारे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तुम शापित हो, चाहे तुम भूमि पर खेती करो, वो किसान था याद दिला दूं मैं, तुम खेती करो उसकी पूरी उपज तुमको नहीं मिलेगी, और तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरने वाले भगोड़े बन जाओगे। भाइयों और बहनों, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के हम जो बच्चे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो अच्छाई की है उसमें से एक पोर्शन ले जाकर प्रभु को दें, लेकिन प्रभु को सही नजरिए से दें। यदि प्रभु को गलत नजरिए से देते हैं, गलत सोच के साथ देते हैं और प्रभु उसको ग्रहण नहीं करते हैं, तो प्रभु के विरोध में हमारा जो कोप है उसको अपने भाई के विरुद्ध में प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मनुष्य जो बोता है, जो बोएगा वही काटेगा। आज परमेश्वर के वचन से अभी तक हमने दो बातें देखी हैं। नंबर वन, जब बच्चे प्रभु से याचना करते हैं और प्रभु जब उनको उनकी प्रार्थना सुन के रोजी रोटी प्रदान करते हैं, तब बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु को वापस एक हिस्सा अर्पित करें। दो, जब हम इस बात में लापरवाही करते हैं और बाद में अपना क्रोध या कोप अपने भाइयों और बहनों के विरुद्ध निकालते हैं, तो ये ना सोचे कि हम बच जाएंगे। प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है कि तुम धोखे में ना रहना, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसलिए प्रभु ने काइन से कहा, तुमने जो किया है उसके कारण भूमि शापित हो गई है, खेती करोगे उसका फल नहीं मिलेगा पूरी तरह से। कहाँ मिलता है, सारी दुनिया में किसान सबसे ज्यादा मारा मारा फिरता है। इतना ही नहीं, प्रभु ने यह भी कहा तुम जिंदगी भर भगोड़े रहोगे, कहीं भी एक जगह नहीं रह पाओगे, ये बहुत बड़ा शाप है। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। क्या रिजल्ट हुआ, अभी तक तो वो बड़ा प्रभु से जो है बड़ा जवाब दे रहा था, मुझे नहीं मालूम, मैं चौकीदार हूं क्या, तुम खुद जाके देखो। ये आखिरी वाक्य मैंने अपने इमेजिनेशन से बोला है। काइन ने तुरंत प्रभु को जवाब दिया, मेरा दंड सहने से बाहर है, मेरी सजा असहनीय है प्रभु, आज के दिन आपने मुझे भूमि से निकाल दिया है, आपकी कृपा मुझ पर नहीं रहेगी, मैं जिंदगी भर भगोड़ा रहूंगा, भागता फिरता रहूंगा। इतना ही नहीं, प्रभु ने जो नहीं बोला था एक वाक्य उसने अपनी तरफ से जोड़ा, जो कोई मुझे पाएगा वो मेरी हत्या करेगा। प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा था, प्रभु ने तो नहीं बोला था कि कोई, प्रभु ने सिर्फ इतना बोला था तुम खेती करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। प्रभु ने इतना कहा था कि जिंदगी भर भागते फिरते रहोगे, जीवन या हत्या वगैरह के बारे में प्रभु ने कुछ नहीं कहा। तो अब उसको क्यों डर लग रहा है कि उसकी हत्या करेंगे। मनुष्य के इतिहास में पहली हत्या उसने की थी, जब उसके भाई ने उससे गिड़गिड़ा कर जीवन दान के लिए याचना की थी, तब उसने अपने छोटे भाई की नहीं सुनी। आपको क्या लगता है कि छोटा भाई यो खड़े होके खड़ा रहा बड़े भाई उसकी हत्या करने के लिए? नहीं, उसने निश्चित रूप से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसकी प्रार्थना, उसके रोने को,
अनदेखा करके बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। और अब जब प्रभु ने बोला कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, तो अचानक उसने जो भयानक कार्य, जो भयानक कांड अपने ब्रदर के साथ, अपने छोटे भाई के साथ किया था, वो याद आया और वो कहता है, प्रभु जो भी मुझे पाएगा, ऐसा भी नहीं लिखा है कि जिसकी मेरे साथ प्रतियोगिता है वो मुझे मार डालेगा। एक एक शब्द परमेश्वर के वचन में, जो एक एक शब्द है उसके ऊपर ध्यान दे। उसने तो अपने भाई को इसलिए मार डाला था कि भाई के साथ उसकी प्रतियोगिता थी, और इसलिए वो ये सोच सकता था कि मुझसे जिसकी प्रतियोगिता होगी वो मुझे मार डाले, ऐसा भी नहीं। प्रभु जो भी मुझे पाएगा, जो भी मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा, मेरी हत्या करेगा। उसने हत्या शब्द का यूज किया है। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। और आप इस बात को जानते हैं कि 100 किलो गेहूं बोते हैं तो 50 किलो नहीं काटते हैं, 100 किलो भी नहीं काटते हैं। जब आप 100 किलो बोते हैं तब आपकी उम्मीद ये होती है कि कम से कम 1000 किलो गेहूं मिलेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि इस खेती बाड़ी से क्या फायदा हुआ। उसी तरह से जब प्रभु से विरोध करके, प्रभु के साथ बलवा करके जब हम जीवन में पाप बोते हैं तो उसका 100 गुना अपने जीवन में काटेंगे। मनुष्य के जीवन में ऐसा है, संसार में ऐसा है। मैं टीचर हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जिनसे जब बोलते थे कि बेटा थोड़ा सा पढ़ ले नहीं तो तू फेल हो जाएगा, तो उसका जवाब था कि सर आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पढ़ लूंगा। बहुत थे मेरे, लेकिन इस तरह से जो भी जवाब देता है वो नहीं पढ़ता है, और जब फेल हो जाता है तो उस स्कूल में दोबारा पढ़ नहीं सकता, प्राइवेट पढ़ना पड़ता है, प्राइवेट उससे पढ़ाई। अरे जब सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और सबसे अच्छे अध्यापक पढ़ा रहे थे तब तो उससे पढ़ा नहीं जा रहा था, प्राइवेट क्या पढ़ेगा। उसके सारे साथी आगे निकल जाते हैं, वो बेकार हो जाता है, वो लोग अच्छी नौकरी पाते हैं, ये जो है सड़क छाप बन जाता है, मजदूरी करने के लिए भी तरस जाता है। जब मनुष्य के बनाए हुए नियमों का जब जो लंघन करता है उसके जीवन में जब उसको इतनी कड़ी सजा मिलती है, तो प्रभु के द्वारा बनाए गए शाश्वत नियमों का यदि हम लंघन करेंगे तो उसकी सजा कोई छोटी मोटी नहीं होगी। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि प्रभु से याचना करना और प्रभु से सर्वोत्तम पाना, और उसके बाद जो हमने प्रभु से पाया है उसमें से एक पोर्शन प्रभु को विश्वास के साथ वापस देना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जब हम इस तरह से करने में लापरवाही करते हैं और यदि प्रभु हमसे खुश नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भाई बहनों से बदला लें, क्योंकि हम जो कुछ बोएंगे वो काटेंगे। यदि भाई बहनों से यदि बदला लेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा। एक तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा, प्रभु मेरी सजा सहने से बाहर है, जो भी मुझे देखेगा वो मेरी हत्या करेगा। प्रभु ने उसको जवाब दिया, प्रभु ने काइन के लिए एक चिन्ह ठहराया जिससे कि कोई भी उसे पाकर मार ना डाले। कैसी बात है ना? वो एक ऐसा युग था जब मनुष्य ईश्वर को मुखामुख देख सकता था। ऐसे युग में बड़े भाई ने अपनी गलती के लिए अपने रोते गिड़गिड़ाते छोटे भाई की हत्या कर दी। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, लेकिन जैसे ही उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी सजा सहने से बाहर है, तो प्रभु ने इमीडिएटली उसके लिए एक चिन्ह ठहराया, जो भी उस चिन्ह को देखेगा वो तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट यह है कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब पापी हैं,
जीवन में मुक्ति पाने के बाद भी हम पाप में फंस जाते हैं, और पाप में फंसने के बाद जब उसका फल देखते हैं तो हम प्रभु से यदि विनती करें तो मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि जो भी प्रायश्चित करता है, जो भी प्रभु से उसके करुणा की याचना करता है, प्रभु की असीमित करुणा हमेशा उसके लिए प्रभु उपलब्ध करवा देते हैं। ये तीन बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता था। आदम और हव्वा के जो दो बड़े बेटे हुए थे उनको प्रभु ने हर तरह से अनुग्रह दिया। एक को खेतीबाड़ी में अनुग्रह दिया, दूसरों को जानवर पालने में अनुग्रह दिया। उन्होंने प्रभु को, एक ने विश्वास के साथ और दूसरे ने विश्वास के बिना भेंट चढ़ाया। उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु मुझे और आपको जो कुछ देते हैं उसमें से एक पोर्शन वापस प्रभु को देना ही है। यदि आपको 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो उसमें से जितना आप प्रभु को दे सकते हैं, यदि 100 मिलता है तो प्रभु ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप 200 प्रभु को देंगे। यदि आपको एक दिन में 10,000 मिलते हैं तो उस हिसाब से उसमें से एक पोर्शन प्रभु को देना है। ये प्रभु के वचन के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु जब देते हैं तब वापस प्रभु को देना हमारी जिम्मेदारी, और विश्वास के साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम उसमें लापरवाही करेंगे तो प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेंगे और तब हमारे जीवन में बदले की भावना होगी, जो मेरा दूसरा पॉइंट है। पहला यह है प्रभु ने जो दिया उसमें से एक पोर्शन प्रभु को देना है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि हम अविश्वास के साथ देते हैं और अपने जीवन में पाप करते हैं तो मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। लेकिन तीसरा पॉइंट यह है, गलती हर एक से होती है, जल्दबाजी हर कोई करता है, लेकिन प्रभु की असीमित दया ऐसी है कि गलती होने के बाद यदि आप प्रभु से विनती करते हैं तो प्रभु अपनी असीमित दया आपको देने के लिए तैयार है। वो पहला हत्यारा जब उसने प्रभु से कहा, प्रभु ये सजा तो मेरे लिए बहुत कठिन है, तो प्रभु ने तुरंत उसको क्षमा कर दिया। ये तीनों बातें मुझे और आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु हमको जो देते हैं उसमें से एक पोर्शन प्रभु को देना है। लापरवाही की और यदि मेरे भाई को अनुग्रह मिला तो मैं उसके साथ यदि गलत काम करूंगा तो मैं जो बोऊंगा वो काटूंगा। तीसरी बात, जीवन में यदि गलती हो जाती है तुरंत जैसे ही हमको पता चलता है कि गलती हुई है तुरंत हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमको अपनी असीमित कृपा दिखाएंगे, क्षमा करेंगे, असीमित कृपा दिखाएंगे। आज मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं, मैंने ये सारी बातें उन लोगों को बताई थी जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। ऐसा हो सकता है कि इस सभा में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप की क्षमा नहीं पाई है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति मेरी वाणी सुन रहा है तो मैं उस व्यक्ति को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है, और इसी कारण हमारे जीवन में बच्चे को भी झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ता, वो झूठ अपने आप बोलने लगता है। पापी को छुटकारे की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, और वो मुक्ति भी प्रभु, जिस तरह से प्रभु ने उस महापापी काइन को क्षमा कर दिया, तो उसी तरह से मुझे और आपको मेरे और आपके पापों से क्षमा करके मुक्ति देने के लिए प्रभु तैयार है। इसीलिए तो प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर पधारे थे। प्रभु ने स्वयं अपने संदेश में बोला था कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो मेरी वाणी सुनने वाला यदि कोई भी भाई या बहन ऐसा है जिसने अपने जीवन में प्रभु से इस क्षमा का अनुभव नहीं किया है, तो मेरा अनुरोध है कि आज ही प्रभु से यह क्षमा प्राप्त कर लें। कैसे, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानना जरूरी है। ब्रीफली यदि मैं बोलूं, प्रभु यीशु के पास जाइए, उनको बताइए कि हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं इस बात को समझ गया हूं कि आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया, मैं इस बात को मान लेता हूं, मैं आपको मुक्तिदाता मान लेता हूं।
लेकिन हाँ, ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों या आपके लिए एक नई बात हो, तो इस कारण हम में से किसी से पूछिए। भाई जेफरी जो आपको बुलाकर लाए हैं उनसे पूछेंगे तो है तो वो बहुत व्यस्त आदमी, सरकारी नौकरी करता है, शादीशुदा है, बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन यदि आप उससे ये बात पूछ लें कि ब्रदर मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उनके पास टाइम ही टाइम है, वो बैठकर बड़े आराम से आपको समझाएंगे। ना केवल ब्रदर जेफरी, हम में से और भी कई लोग हैं जो ये बातें आपको बताना चाहते हैं, स्पष्टतया बताना चाहते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में प्रभु से जो क्षमा पा सकते हैं, इस क्षमा को प्राप्त करने के लिए आप उत्साह से भर जाइए, हम में से किसी से इस बात के बारे में डिटेल्स पूछिए, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए, नव जीवन पाइए और मेरे और अन्य कई भाई बहनों के समान अपने जीवन में आनंद का अनुभव कीजिए। प्रभु हर तरह से आपको अनुग्रह दें।